अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। नाज़रीन किराम, सिस्टम को बहुत बड़ी शिकस्त हुई है और सिर्फ शिकस्त नहीं हुई है बल्कि इनके खिलाफ दो सर्जिकल स्ट्राइक भी किए गए हैं। एक सर्जिकल स्ट्राइक मौलाना फजलुर्रहमान साहब ने किया है। मौलाना फजलुर्रहमान साहब ने सिस्टम को और तमाम पोलिटिकल पार्टीज को एक नहर के पुल के ऊपर खड़ा किया और वो वहाँ से सीधा मुल्तान चले गए हैं। दूसरे सर्जिकल स्ट्राइक वकला की तरफ से हुई है और ये जो सर्जिकल स्ट्राइक थी ये सिर्फ एक ट्रेलर था और अब जो ना फिल्म आने हैं, यानी फिल्म बाकी है, यानी ये फिल्म जब सामने आएगी तो आपको पता होगा कि अब जो ना क्या चीजें होगी। ये तो वकला ने किया। इस सब के अंदर मैं आपको ये भी बताता जाऊँ कि काजी पाई साहब के लिए अब सब चीजें जो ना वो ठीक नहीं है, यानी उनके लिए कुछ चीजें जो ना वो ठीक नहीं है। न सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इनके लिए अच्छी खबरें हैं, ना हुकूमत की तरफ से इनके लिए अच्छी खबरें हैं और ना सिस्टम की तरफ से इनके लिए अच्छी खबरें जो ना वो आ रही है। एक बात और जो ना आप लोगों ने समझनी है और इसके ऊपर जो ना आप लोगों ने गौर भी करना है कि पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री जो ना ये एक स्टेक होल्डर है और इनका किरदार हमेशा से रहा है। पाकिस्तान के पोलिटिकल पॉलिटिक्स के अंदर हमेशा के लिए इनका किरदार रहा है। इनके किरदार को हमेशा के लिए जो है ना इसके ऊपर बात भी हुई है और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि इंटरनेशनली जो है ना इंटरनेशनल तौर पर भी इसको तस्लीम किया जाता है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर मिलिट्री का किरदार बहुत ज़्यादा अहम है। यानी मिलिट्री के किरदार के अंदर अब जो है पाकिस्तान के अंदर सियासत करना जो है ना तकरीबन ये नामुमकिन के करीब जा चुका है। यानी आप ये समझ लीजिए कि ये नामुमकिन हुआ है। अगर मिलिट्री इन्फ्लुएंस ना हो पाकिस्तानी सियासत के अंदर तो पाकिस्तानी सियासत जो है ना नहीं चल सकता। अगर कोई बंदा इससे इनकार करता है तो यकीनन वो जो ग्राउंड रियलिटी है उससे इनकार करेगा। रियलिटी तो यही है कि इनका हमेशा से जो है ना पाकिस्तान के पॉलिटिक्स के अंदर उनका किरदार रहा है और उन्होंने हमेशा इस बात से जो ना उन्होंने नफी भी की है कि हम जो है ना पाकिस्तान के अंदर सियासत में जो ना हम मुदाखलत नहीं करते हैं, हम सियासत में बिल्कुल वो कुछ हमारा किरदार नहीं है सियासत के अंदर। यानी मुसलसल उन्होंने ये नफी की है लेकिन यकीनन इनका किरदार रहा है, इससे कोई भी बंदा जो ना वो इनकार नहीं कर सकता। एक और चीज जो जिसकी क्लेम हुई है वो क्लेम है ISI का जो चीफ होता है वो भी मरकजी निगाह होता है, लेकिन जब जनरल नदीम अंजुम साहब आए थे तो उन्होंने कहा कि मेरी तस्वीर भी बाहर नहीं आएगी। उनकी तस्वीर क्या कि अगर हम पाकिस्तान के उनकी जो टेन्योर की बात कर रहे हैं हमेशा वो भी जो है ना निगाह जो है ना लोगों की नज़रों में थे, हमेशा लोगों की नज़रें उन्हें के ऊपर थी। पॉलिटिक्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ है और सिर्फ वो नहीं बल्कि DGC साहब को भी जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया है और उनकी मुदाखलत जो है ना काफ़ी चीज़ों के अंदर जो है ना लोगों ने डिस्कस किया कि उनका ये किरदार यहाँ पर रहा है। और इसी के साथ साथ बाकी जो कोर कमांडर्स हैं उनके जो है ना मुदाखलत के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन पाकिस्तान के अंदर हुई है। ये तमाम के तमाम चीज़ें जो है पाकिस्तान के अंदर हो रही है और पॉलिटिकली जो है इसको बहुत ज़्यादा जो है डिस्कस किया भी जा रहा है और बहुत से लोग कहते हैं कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है और पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर हमेशा यहाँ से जो है ना कुछ मुदाखलत होती रही है। यानी यकीनन अगर हम इससे इनकार भी करें, जितना भी हम इससे इनकार करने के जो है ना करीब भी जाए, हम कहें कि नहीं बिल्कुल नहीं रही है, ये नहीं हुआ, लेकिन हम पाकिस्तान की तारीख को अगर 1947 से लेकर 2024 या 25 पे खड़ा कर देते हैं तो हमें जो है ना मुतअद्दिद जगहों पे जो है ना ये नजर आता है कि कहाँ कहाँ पे उनकी जो है ना मुदाखलत हुई है। जो है जनरल नदीम अंजुम साहब के एक्सटेंशन के हवाले से जो है ना बात है, क्योंकि उनको जो ये एक्सटेंशन मिली थी ये गैर मुजैना मुद्दत तक थी, तो इसके हवाले से अब इस्लामाबाद बेस एक साहबी ने क्लेम किया है तो वो भी आप लोगों के सामने रखूंगे कि उनकी मुद्दती मुलाजमत के हवाले से उन्होंने कौन सी जो है ना क्लेम की है। नए DGISI कौन आएंगे, क्योंकि उनके जो है ना मुद्दती मुलाजमत के हवाले से बात हो रही है तो ये भी आप लोगों के सामने रखेंगे कि वो कौन जो है ना इनके बाद आएगा। सबसे पहले आते और आपको मैं ये बताऊंगा कि सिस्टम जो नए जो शुरू हुए दिन जिस दिन उन्होंने इमरान खान साहब को गिराया था उसके बाद उन्होंने जो काम शुरू किया था अब जो है इसमें बिल्कुल कमी नहीं आ रही है और मुसलसल जो है ये काम होता रहा है पाकिस्तान के अंदर। और आप जो है सिस्टम कहते हैं कि नहीं हम मुसलसल ये करते रहेंगे जब तक हमारे हाथ में ताकत है, हम जो है इससे पीछे नहीं हटेंगे और ये जो है पाकिस्तान के अंदर हो रहा है और सिस्टम कोशिश कर रहा है जिस तरीके से उन्होंने प्लान बनाया था वो कोशिश करता है कि इनका प्लान जो है ना वो किसी न किसी तरीके से कामयाब हो जाए और अपने प्लान को कामयाब करने के लिए वो तमाम के तमाम वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, जितने भी वसाइल इनके पास है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी के ऊपर प्रेशर डाला गया है, किसी को उठाया गया है, किसी के साथ क्या कुछ किया, किसी के बच्चे उठाए गए, किसी के माँ को उठाया गया, किसी के खाला को उठाया गया है,
लेकिन अपना जो है ना प्लान को कामयाब करने के लिए तमाम चीजें की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस के फैसले को अगर हम देखें और फिर उन्होंने जो वजाहत दी है, इसी के साथ साथ अगर हम दूसरे इलेक्शन कमीशन को इस वक्त अगर देखा जाए, इलेक्शन कमीशन अब कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरीके से आईनी तरमीम का जो ये मामला जब तक हल ना हो तब तक जो है किसी न किसी तरीके से वो टेक्निक इस्तेमाल करके ये जो मखसूस नशस्तों वाला केस है इसको भी जो है इसको रोका जाए, इसको अपने पास रखा जाए, क्योंकि आईनी तरमीम के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल हो जाएंगे और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है मखसूस नशस्तें भूल जाएंगे और वो किसी और चीज़ में जो है वो इन्वॉल्व हो जाएंगे। यानी यहाँ पर ये डिले टेक्टिक्स इस्तेमाल की जा रही है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि किसी ने किसी तरीके से इस फैसले को जो है वो बरकरार रखे और इसको जो है डिले रखे। चीफ जस्टिस साहब जो काजी पाजिशाह साहब थे उनके हवाले से जो कहा जा रहा था कि वो जो है उनको एक्सटेंशन मिल जाएगी, उनकी एक्सटेंशन तो दूर की बात है, यानी इनके लिए जो एक दूसरा फेडरल कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो नया कोर्ट बनाना था वो भी बेचारा जो है उससे भी अब निकल गया है और उसका भी आप बेचारा वो नहीं सोच सकता कि उनको वो जो है ना उसका चीफ जस्टिस वो बन जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर कानूनी माहरीन से मशावरत का फैसला और ये टेक्टिक्स जो है यकीनन ये इस्तेमाल करें किसी न किसी तरीके से जो है ना इस फैसले को जो है वो डिले करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर लीगल एक्सपर्ट से मशावरत लेने का फैसला कर लिया। चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत मखसूस नशस्तों पर इलेक्शन कमीशन की मांगी गई वजाहत पर सुप्रीम कोर्ट जो है आर्डर से मुतालिक इजलास हुआ है। इजलास में मेंबरान सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ला और लीगल टीम शरीक हुए। रोजनामा जंग के ज़राए के मुताबिक के हवाले से कहना है कि इजलास में सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशस्तों से मुतालिक शार्ट आर्डर पर गौर किया गया जबकि इलेक्शन कमीशन की मांगी गई वजाहत के जवाब में सुप्रीम कोर्ट के 14 सितम्बर का आर्डर जेर गौर आया है। इजलास में मखसूस नशस्तों से मुतालिक पार्लियामेंट में की गई कानून साजी पर भी गौर हुआ है। सिर्फ इसी के ऊपर गौर नहीं हुआ, इसके साथ एक और चीज़ के ऊपर उन्होंने गौर किया है और वो ये कि इजलास में कानूनी नुकात और मजरात का भी जायजा लिया गया है जबकि कमीशन ने लीगल एक्सपर्ट से मशावरत का फैसला किया है। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन का इजलास कल दोबारा होगा, यानी आज ही ये जो है इजलास दोबारा होगा। इस वीडियो के बाद इस इजलास के हवाले से भी मैं आपको बताता हूँ। आईनी तरमीम के हवाले से जो बात हो रही है, आप जानते हैं अंसार अब्बासी साहब को कि अंसार अब्बासी साहब जो है ना किसकी तरफ जो है उनकी कुर्बत है, किनकी तरफ इनकी झुकाव है, लेकिन उन्होंने भी जो है ना बहुत बड़ा क्लेम किया है और उन्होंने इस वक्त जो बातें की है ये भी बड़ी हैरान कन है। अंसार अब्बासी साहब कहते हैं कि जो तरामीम का मकसद काजी पाजिशाह साहब को कंटिन्यू कराना था, यानी काजी पाजिशाह साहब को एक्सटेंशन देनी थी। मजीद वो कहते हैं कि ताकि मंसूर अली शाह और ये काजी पाजिशाह साहब को जो है एक्सटेंशन किस वजह से देनी थी, ताकि मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस न बन सके, मकसद था कि मौजूदा निज़ाम चलता रहे, हुकूमत इस्तेकाम हासिल कर सके। खौफ है कि अगर चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आए तो शहबाज की हुकूमत के लिए खतरा हो सकता है और ये खतरा उनके लिए कहाँ पे हो सकते हैं। मेन चीज़ जो है ना काजी पाजिशाह साहब की अगर हम बात कर लें, 8 फरवरी का जो इलेक्शन था वो पाकिस्तान के अंदर मुतनाज़िया इलेक्शन था और ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, शायद ये दुनिया का वाहिद मुतनाज़िया इलेक्शन होगा, क्योंकि जो अब हुकूमत में है उन लोगों ने कहा कि ये मुतनाज़िया इसके अंदर दादली हुई है। इसके अलावा जितने भी पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना तमाम के तमाम ने कहा कि ये जो है ना इसके अंदर दानगी हुई है। अब जो है ना इसके अंदर जो मेन बात थी वो इस्लामाबाद के जो 3 सीटें है उसके हवाले से बात थी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून को फेडरल की गवर्नमेंट देनी थी और ये 3 सीटें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी थी। अगर ये 3 सीटें वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ना देते तो दुनिया के सामने ये किस तरीके से जाते हैं, किस मुंह से ये दुनिया के सामने आ जाते हैं, क्या ये विफाक के अंदर हमारी हुकूमत है, विफाक के अंदर आपका हुकूमत कैसे कि आपने जो ना विफाक की 3 सीटें जो ना आप हार चुके हैं। तो इस वजह से जो विफाक के जो 3 सीटें थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दी गई थी कि दुनिया के सामने जो ना इनकी बेइज्जती ना हो, दुनिया के सामने जो ना वो अपने चेहरे को छुपा के ना रखे। जिस तरीके से एक सीनेटर पसलवाड़ा साहब से जब पूछा गया था कि आप जो है ना किसके सीनेटर है, तो उन्होंने अपने आंखें नीचे करके जो है ना फिर उनसे जो है ना अंसार अब्बासी साहब नहीं सॉरी काशिफ अब्बासी साहब ने जब उनसे पूछा कि भाई आप नीचे क्यों दे रहे, क्यों आप शर्मा क्यों रहे, तो उन्होंने कहा कि नहीं शर्माने की बात तो नहीं है लेकिन खैर मैं जो है ना एक इंडिपेंडेंट जो है ना सीनेटर हो सीनेट के अंदर। तो फिर इनको भी ऐसे ही बात करनी पड़ती दुनिया के सामने कि चलो हम विभाग के ऊपर जो है ना हुक्मरानी तो कर रहे हैं लेकिन विभाग के अंदर खैर है, अगर हमारी जो है ना सीटें नहीं है तो कौन सी इतनी बड़ी बात है। तो इस वजह से जो ना ये सब चीज़ें जो ना की जा रही है और अगर यकीनन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आ जाए तो ये केस यकीनन आप यकीनन मैं कह सकता हूँ
कि ये काम जो इनका बढ़ जाएगा और ये सीटें जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाएगी। अब आते हैं पीपल्स पार्टी की बात करें, पीपल्स पार्टी ने कोशिश की शपकुन मारने की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, और ये शपकुन मारने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा सर तोड़ कोशिश भी की है। सबसे पहले इनके वालिद साहब, यानी बिलावल भुट्टो साहब के वालिद साहब आसिफ अली जरदारी साहब मौलाना फजलुर्रहमान साहब के पास गए उन मनाने के लिए, फिर उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब गए, फिर दोबारा गए, फिर दोबारा गए, और बात करते करते उन्होंने तीन चार दफा जो है मौलाना फजलुर्रहमान साहब से मुलाकातें की, लेकिन वो तमाम दफा जो है वो नाकाम रहे। और इसके बाद जो है अब ये कह रहे कि नहीं, हम जो है इसी के ऊपर मशावरत जो है ना करते हैं सुप्रीम कोर्ट के, सॉरी पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो है इसको डिस्कस करते हैं। पीपल्स पार्टी भी फौजी अदालतों के हवाले से ये कह रही है कि इस पर पार्लियामेंट को मुश्तरका इजलास बुलाया जाए, हुकूमत अगर वाकई फौजी अदालतों की कानून साजी जरूरी समझती है तो हमारा ये मुतालबा है कि कौमी असम्बली और सेनेट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए। मौलाना फजलुर्रहमान साहब जो आसिफ कैसर साहब के घर पर गए थे, वहां पर उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने तमाम के तमाम लोगों को, सिस्टम को, निजाम को, और इसी के साथ जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको एक नहर के पुल के ऊपर खड़ा किया और खुद वहां से निकल के वो मुल्तान चले गए, और वहां पे आराम से बैठ के वो मुल्तानी हलवा खा रहे होंगे और सही मजे कर रहे होंगे और इनको देख रहे होंगे कि आखिर ये जो है ना इस पुल के ऊपर आप क्या करेंगे। मौलाना फजलुर्रहमान साहब ने कहा है कि उन्होंने जो हमें मुजवजा दिया था आईनी तरमीम का, वो हमने बाहर फेंक दिया है, और हमने उनको कहा कि हम आप इसमें आपके साथ नहीं दे सकते, और आपके साथ क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि अगर हम इसमें आपके साथ देंगे तो इसका मतलब ये है कि हम कौम के साथ खयानत कर रहे हैं और हम किसी भी हालात में इस कौम के साथ खयानत नहीं करेंगे। इसी के साथ साथ जो है ना अली मोहम्मद खान साहब ने भी बहुत बड़ी बात की है, उन्होंने कहा है कि हमारे लीडर को बाहर ले आइए, इन्हें अगर आप चाहते कि हम आप लोगों के साथ जो है ना साथ दें इस आईनी तरमीम में, तो आप हमारे लीडर को बाहर ले आइए, इमरान खान साहब को जेल से रिहा करें, फिर हम आईनी तरमीम पर बात कर लेंगे, सो बिस्मिल्लाह ये जो है ना इसके ऊपर बात कर लेते हैं, जिन शकों पर इतफाक हुआ हम आपको वोट भी कर लेंगे, यानी लेकिन सिर्फ आप एक काम करें कि हमारे लीडर इमरान खान साहब को जेल से बाहर लेकर आए, लेकिन यकीनन ये तो उनके हाथ में नहीं है, ये तो किसी और के हाथ में, उसने जो है बाहर इनको लेकर आना है। यहाँ पर आजम नजीर तारर साहब की बहुत बुरी बेइज्जती हुई है, और जिस तरीके से आजम नजीर तारर साहब की बेइज्जती हुई है इसी के साथ साथ उन्होंने एक बात को भी तस्लीम किया है, और यकीनन जिस बात को उन्होंने तस्लीम किया ये बिलावल भुट्टो साहब ने भी तस्लीम किया, और इसी के साथ साथ पीपल्स पार्टी के बाकी तमाम अराकीन ने इस बात को तस्लीम किया है। कहानी ये थी कि आजम नजीर तारर साहब ने बार काउंसिल के एक इजलास बुलाया था, और ये सुप्रीम कोर्ट का इजलास था, उसमें उन्होंने ये आईनी तरमीम के हवाले से बहुत सी चीज़ें सामने रखनी थी और अपने जो है ना बात मनवानी थी वहाँ पर, लेकिन इससे सबसे पहले जो ना बलूचिस्तान का जो बार काउंसिल था उन्होंने इससे इनकार किया, उन्होंने कहा कि ये हुकूमत का इजलास है और इसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन जब इस इजलास का ऐलानिया सामने आया तो इसके बाद जो है ना शर्मिंदगी जो है ना हमारे वजीर कानून आजम नजीर तारर साहब को ज़रूर हुई होगी, क्योंकि इनके खिलाफ भी ये जो है ना ये सब कुछ आया है। ये मैं आप लोगों के सामने रहता हूँ कि आईन में तरमीम पार्लियामान का इख्तियार है, इख्तियार है, आईन का बुनियादी वजूहाल से मुतसादिम तरमीम नहीं होनी चाहिए, मुख्तलिफ वकला काउंसिल के नुमाइंदगान पर मुश्तमिल कमेटी कायम की जाए, ऐवान आला ऐवान ऐलान कर दे कि तरमीमी आईन का खात्मी मुसविदा वकला नुमाइंदों की कमेटी से शेयर किया जाए, यानी वो ये ऐलान कर दे और फिर इसके बाद जो है ना ये मुसविदा हमारे साथ शेयर किया जाए, शेयर किया जाए कि ये फाइनल जो इनके पास स्क्रिप्ट है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। हाँ, इस सब के अंदर जो है नजीर तारर साहब ने कहा कि 25 अक्टूबर तक काजी पाजी शाह साहब चीफ जस्टिस है और 25 अक्टूबर से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जस्टिस होंगे, चीफ जस्टिस होंगे, लेकिन यहाँ पे इस बात को उन्होंने भी तस्लीम किया कि अब जो है ना जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता जो है कोई बंदा नहीं रोक सकता, अब जितना भी कोशिश कर ले, जितना आप जो है अपने वसाइल इस्तेमाल करें, लेकिन चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब 25 अक्टूबर 2024 के बाद। इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो ये सब कुछ चलता रहा है और ये सब कुछ हुआ है, लेकिन जनरल नदीम के हवाले से ये बात आ रही है कि, और ये इस्लामाबाद बेस्ड जर्नलिस्ट है, उन्होंने ये क्लेम किया कि जनरल नदीम को तब्दील किया जा रहा है, उनकी मुद्दती मुलाजमत में तब्दीली की जा रही है क्योंकि इनकी मुद्दती मुलाजमत गैर मुअय्यना मुद्दत तक थी, और अब रावलपिंडी के कोर कमांडर साहब जो है वो आ रहे हैं वो इस ओहदे के ऊपर, लेकिन असदुर साहब है, और उन्होंने एक और भी क्लेम किया था कुछ दिनों पहले, उन्होंने DGC फैसल नसीर साहब जो है उनकी सेहत के हवाले से उन्होंने कहा था कि वो बीमार है, कि उसे बीमारी ऐसी बीमारी लाहक है कि उठ नहीं सकते और इलाज के अरज से वो अमरीका जा रहे हैं, ये शायद कोई नए DGC जो है ना वो आएंगे, लेकिन जो DGC साहब थे फैसल नसीर साहब उनके जो करीबी जराए हैं या उनके जो करीबी लोग हैं उन्होंने बताया कि नहीं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अगर हम फौज की बात करें वो एक डिसिप्लिन इदारा है, इसके अंदर अगर आपने एक ओहदे से दूसरे ओहदे की तरफ जाना है
तो आप बहुत से जो है ना प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है, बहुत सी जगहों पे आपको नौकरी करनी पड़ती है, उसके बाद जो ना आप जो है ना आर्मी चीफ बन जाते हैं या बड़े बड़े उद्योग तक जो ना पहुंच पाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, ये सारी चीजें जो है ना इस नजर से नहीं है। लेकिन मैं एक चीज आपको ये और भी बता दूं, अगर पाकिस्तान के अंदर कोई बंदा ये क्लेम करता है कि इमरान खान साहब निकल आएगा, उनके लिए आसानी होगी, ये होगा वो होगा, तो यकीनन इमरान खान साहब के लिए नवंबर 2025 तक जो ना कि कोई भी उम्मीद नहीं है। क्योंकि अगर ISI का चीफ तब्दील भी हो जाता है तो इससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि निज़ाम जो है ना, निज़ाम जो सिटिंग है, जब एक दफा ये निज़ाम बन जाते तो ये इस निज़ाम ने चलने कहा था कि नवंबर 2025 तक तो हम बिल्कुल ये तस्वीर नहीं कर सकते कि इमरान खान साहब के लिए कोई आसानी होगी या पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए कोई आसानी होगी। अगर कोई बंदा इसके ऊपर बात भी करते कि नहीं इमरान खान साहब आज निकल आएंगे, कल भी आएंगे, परसों निकल आ जाएंगे, तो यकीनन ये बातें जो है ना उनके सिर्फ महज जो है ना व्यूअरशिप के लिए होगी या सिर्फ और सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए होगी या गलत बयानी होगी। यकीनन बहुत ज्यादा मुश्किल है कि नवंबर 2025 से पहले इमरान खान साहब के लिए कोई आसानी हो। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।